हाय एवरीवन, दिस इज नेहा फ्रॉम राजकुमारी ड्रेस अप लाइक अ प्रिंसेस। तो आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में, जो कि हर एक बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी होती है। तो जैसा कि आपने टॉपिक में देखा होगा कि हाउ मच ऑनेस्टी इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी बिजनेस, तो आज मैं एक स्टोरी के जरिए आपको ये बात बताऊंगी, और ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है और हमारे ही बिजनेस की स्टोरी है जो कि मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगी। तो अगर हम कभी भी कोई भी बिजनेस या कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे ज्यादा उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम कितने ईमानदार हैं उस बिजनेस के प्रति, अपने कस्टमर्स के प्रति, कि ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। आज इस वीडियो में आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ये बात आज से एटलीस्ट 6 to 7 years पहले की है, जब हमने बिजनेस अपना स्टार्ट ही किया था और बहुत ज्यादा लोग हमें जानते नहीं थे, मतलब मुश्किल से 10, 12, 15 ही कस्टमर्स होंगे। तो जब हमने शुरू किया तो क्या हुआ, हमने अपनी वेबसाइट लॉन्च की और उस पे गलती से एक फॉरेन कस्टमर कुछ ऑर्डर प्लेस करने जा रही थी, और उसने 3,000 रुपए की जगह, कुछ बग था वेबसाइट में जिसकी वजह से उसने $3,000 पे कर दिए, मतलब लगभग हमारे पास 1.5 लाख रुपए आ गए थे हमारे अकाउंट में। और जब क्योंकि उसने US से ऑर्डर प्लेस किया था और हमारे यहाँ पे रात थी उस टाइम, और बाय चांस मैंने ये जब देखा तो उसके कुछ भी कंप्लेन करने से पहले या उसे समझ में आता उससे पहले ही मैंने एक्शन ले लिया। मैंने पेपाल की टीम से कॉन्टेक्ट करके उसके पैसे रिफंड करा दिए तुरंत के तुरंत ही। तो कुछ पल के लिए लालच सभी के मन में आता है, लेकिन ये चीजें मतलब बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल सकती हैं। तो उस टाइम हमें कोई जानता भी नहीं था, अगर हम चाहते तो हम वो पैसे रख सकते थे 1.5 लाख रुपए, बट हमने उसको रिटर्न करना ज्यादा बेटर समझा। तो शायद उसी की दुआओं का असर है कि हमने जो कंपनी एक रूम से स्टार्ट करी थी, आज कम से कम उसमें 50 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और एक कॉमर्शियल स्पेस पे हम लोग ऑफिस रन कर रहे हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि ये जो भी हम अपने कस्टमर्स के प्रति जो ईमानदारी दिखाते हैं हमारे प्रोडक्ट्स में, और उनकी ताकि जो पैसा उन्होंने पे किया है उन्हें उस वर्थ का, उस अमाउंट का प्रोडक्ट मिलना चाहिए, तो शायद उसी का ही ये नतीजा है कि आज हम लोग इतना अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए हैं। अदरवाइज अगर मैं उस समय शायद उसके पैसे रख लेती तो क्या पता नहीं हम लोग इतना कर पाते या नहीं कर पाते, वो अलग बात है। लेकिन मुझे उस समय यही सही लगा कि उसके पैसे हमें रिफंड कर देने चाहिए, और हमने तुरंत ही कर दिए। तो इस बात से वो कस्टमर इतनी ज्यादा खुश हुई। तो आज भी आप लोग फेसबुक पे, अगर हमारे फेसबुक पेज पे जाएंगे राजकुमारी ड्रेस अप लाइक अ प्रिंसेस में, तो 4-5 साल पहले का उसका रिव्यू आज भी पड़ा होगा कि वो उसको जब वो उसके पैसे वापस मिल गए तो उसे कितनी खुशी मिली। तो उस समय मुझे भी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैंने किसी भी तरह से पेपाल की टीम से कनेक्ट करके उसके पैसे रिफंड करवाए। तो अगर आप लोग भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या किसी के साथ भी पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो ऑनेस्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑनेस्ट, जितना आप ऑनेस्ट रहोगे अपने काम के लिए, उतना ही ज्यादा आप लोग भी सक्सेस कर पाओगे, सक्सेसफुल बन पाओगे। तो बस आज के वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूंगी कि किसी भी कोई भी काम कर रहे हैं आप, उसके लिए ऑनेस्ट रहिए, अपने कस्टमर्स के लिए भी ऑनेस्ट रहिए। अगर गलती से किसी ने आपको ज्यादा पैसे दे दिए हैं तो अगर आप उनको रिफंड कर देंगे उन्हें बहुत खुशी मिलेगी और आपको भी। और कोशिश यही करिए कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको 100% सेटिस्फेक्शन मिले, क्योंकि कस्टमर ही है जो कि आपको आगे मतलब आपके बिजनेस में ग्रोथ का एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो कस्टमर को खुश रखिए और उसकी नीड्स को फुलफिल करिए जितना कोशिश कर सकते हैं आप लोग, और अपनी चीजों के लिए ऑनेस्ट रहिए। यही ग्रोथ का एक मंत्र है, ऑनेस्टी। तो आप लोग वीडियो के जरिए मैं बस यही बताना चाहूंगी कि ऑनेस्टी प्लेज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन एनी बिजनेस। तो इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।